अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय अहमद। सो यार आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे ट्रैक्टर जो फंस चुका है मड्डी के अंदर प्रॉपरली और उसको निकालने की बड़ी कोशिश की जा रही है लेकिन वो निकल नहीं रहा। सो मैंने सोचा इस 4x4 व्हील का इस्तेमाल करूँगा गाड़ी का। तो मेरे पीछे देख रहे हैं, सो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। मेरे साथ आना कहीं मत जाइएगा गाइस। जैसे मैं आपको दिखा सकूँ कि यार ये काम भी इतना ईजी नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर भी। देखें वो जो ट्रैक्टर है वो वहाँ पे स्ट्रक हो गया, ठीक है। सो अभी हम इसको निकालने के लिए कोई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ट्रैक्टर को हम निकालने जा रहे हैं। आपको पावर चेक करवाते हैं 4x4 की। तो नाज़रीन, तो दोस्तों ये देखो बड़ी बुरी तरह ये स्ट्रक हो गया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए हम कोई पुलिया इस्तेमाल करेंगे। हम पहले इसके 4x4 ऑन करेंगे और नाज़रीन अब इस ट्रैक्टर को निकाला जा रहा है। देखिए ये इस गाड़ी की मदद से, और आपको चेक करवाते हैं इसकी पावर। और तू पिछड़ जाए गाइस। अभी हम इस ट्रैक्टर को निकालने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह यकीन है कि निकल आएगा। ओहो, दोबारा से फिर इसको करने लगे हैं। निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, निकल जाएगा। बड़ा बुरी तरह फंस गया यार ट्रैक्टर। अभी फंसते ही रहेंगे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और निकल जा भाई, कई सोच ला के फंस गए हैं। गाइस रात हो गई है और अभी तक हम ट्रैक्टर बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं। इवन 4x4 व्हील लगा के गाड़ी से निकालने की कोशिश की है, लेकिन उसके साथ भी कोई वर्क नहीं हो सका। इवन ट्रैक्टर के साथ निकालने की कोशिश की है और काफ़ी ज़्यादा घंटे इसमें लग गए हैं और अभी तक हमारा जो ट्रैक्टर है वो स्टिल स्टक है। तो देखें आगे क्या होता है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल हो जाएगा इसका। सबसे बड़ा मसला ये हुआ था कि एयर लॉक हो गया, जिसकी वजह से टाइम और मज़ीद लग गया। तो लगे हैं निकालने इसको, इंशाल्लाह निकल आएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा जो है ट्रैक्टर को बाहर आ गया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और 6-7 घंटे लग गए हमें इसके साथ। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं आप, बहुत बुरी तरह ये स्टक हुआ था। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना ट्रैक्टर लेके आए, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आप इसकी जज़ा दे, आमीन। ओके भाई, थैंक यू। ओके उस्ताद, शुक्रिया। गाड़ी बना गाड़ा बड़ा। सो गाइस फाइनली जो है हमारा ना ट्रैक्टर बाहर आ गया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो वॉच किया, काइंडली इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सबसे अहम बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर हूँगा नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।